भगवत का स्कंद ग्यारहवा सोलहवा अध्याय उदो का संवाद। श्री कृष्ण जी कहते हैं, उदो जो कोई अपने कर्मा नु निवारण करना चाहे तो सत्संग करे, सिमरन और भजन नु मन लगाकर करे, जिस करके ज्ञान का प्रकाश हो और ज्ञान मुक्त हो जाता है। और यह कर्म रूपी वृक्ष बड़ा भारी है, इसको काटना योग है। सो चाहिए कि सतगुरु की शरण जाए के अपना तन मन तन उनको नशावर करे, उनके ज्ञान उपदेश करने से हृदय निर्मल हो जाता है और उत्तम पद्मी में स्थित हो जाए। तब जे वृक्ष ज्ञान दे बाण से आप ही कट जाता है। हे उदो, सबका स्वभाव ऐसा ही है, जैसे कोई जगत में कर्म करता है वैसा ही ज्ञान उसको हो जाता है। जो कोई पुराण सतोगुणी जैसे श्री भागवत श्री गीता और श्री योग वशिष्ठ को श्रवण करता है, उससे रजोगुण और तमोगुण जाता रहता है। ज्ञान हृदय में स्थित होता है और देवताओं के प्राणों से अधिकारी तमोगुण की है और देवतियों के देव प्राणों में अधिकारी तमोगुण की है। और जमुना जी के जल में सतोगुण अधिक होता है और कूप जल में तमोगुण और ताल नीर में रजोगुण और साध संगत में सतोगुण और राजसभा में रजोगुण और सब तेज संगत में तमोगुण होता है। और तीर्थ स्थान पर जो कोई वास करे उसकी बुद्धि सतोगुणी हो जाती है और नगर में रहने से रजोगुण और गांव में रहने से तमोगुण हो जाता है। और जो ब्राह्मणों के ग्रह जन्म धारण करेगा सो सतोगुणी और राजा के ग्रह जन्म लेने से रजोगुणी और बंधक आदि के ग्रह उत्पत्त होने से तमोगुणी बुद्ध होगी। और सतोगुणी मुक्त का मार्ग है, उसी से ज्ञान उत्पत्त होता है, परमात्मा की पहचान हो जाती है। जैसा रजोगुणी के सर्प की भ्रांति हो जाता है और निश्चय करने से भ्रांति दूर हो जाती है, इसी प्रकार तिमर अज्ञान का निवृत्त होके शुद्ध रूप हो जाती है। सोलमा जय समाप्तम की। जय गुरुदेव, तन गुरुदेव।